बात करेंगे। भोपाल से मिल रही खबर जहां 16 साल से कैद महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। ससुराल वालों ने 2008 से मायके वालों से महिला को मिलने ही नहीं दिया, महिला को घर में कैद कर रखा था, महिला को बेटे और बेटी से भी दूर रखा गया। पड़ोसियों ने महिला के मायके वालों को इसकी जानकारी दी है। तो 16 साल से कैद महिला का पुलिस ने रेस्क्यू किया है, ससुराल वालों ने 2008 से मायके वालों से महिला को मिलने नहीं दिया, महिला को घर में कैद कर रखा था और महिला को बेटे और बेटी से भी दूर रखा गया। पड़ोसियों ने महिला के मायके वालों को इसकी जानकारी दी। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, 16 साल से एक महिला को घर में कैद रखा जाता है, उसके मायके वालों से भी नहीं मिलने दिया जाता, कैसे मामला अब तक उजागर नहीं हुआ क्योंकि 16 साल गुजर चुके और अब पुलिस ने रेस्क्यू किया, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मामला उजागर हो चुका है और ये बात निकल के सामने आई थी कि महिला को 16 साल तक इसी घर पे रखा गया, बंधक बना के रखा गया। क्या कुछ सच्चाई है, हम उसी घर पे हैं, जागीराबाद इलाके में ये घर है, इसी घर पे महिला को रखा गया था, ये बात निकल के सामने आई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं इसी घर पे हूँ और दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे महिला को यहाँ पे रखा गया था। परिवार बातचीत करेंगे कि आखिर इस बात में क्या सच्चाई है कि महिला को यहाँ पे 16 साल तक रखा गया। पुलिस रेस्क्यू करती है कल आकर, उनके परिवार के लोगों से ही हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि महिला को इसी घर पे रखा गया था। साल 2008 के बाद महिला को यहाँ से मिलने की इजाज़त ससुराल वालों को नहीं दी गई, उन्हीं के परिवार से बातचीत कर लेते हैं। अंकल, आपका क्या नाम है? पुलिस ने यहाँ से एक महिला को रेस्क्यू किया गया, क्या सच्चाई है इसमें? मनोहर लाल साहू नाम है मेरा, मैं इनके पापा हूँ। अच्छा। वो हमारे बहू हैं बड़े। अच्छा। उनके मानसिक 3-4 साल से दिमाग खराब हो गया और पहले ही से थी वो, तो लेकिन बाद में पता चला है, दवाई अवाई सब कुछ कराई, उसके बाद में सबको लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करना, अकेलेपन में रहना, हमको अलग रहना, तो ऊपर अलग कर दिया। ये कैद करने वाली बात ये कहाँ से निकल के आई? क्या मालूम इनके पिताजी भाई भाई क्या कराए इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ पर उनका व्यवहार सही नहीं रहता था, क्या कुछ वजह रही कि व्यवहार सही नहीं रहता था? बुरी दिमागी टेंशन, अपनापन, भाई अपनापन है तो लड़के सब 3 साल अच्छा खाना बनाया उसने ऊपर, अभी 1-1.5 साल से मुझे 2-3 महीने से बहुत ही हालत ख़राब हो गई उसकी। ये आपकी पत्नी के बारे में ही बात निकल के सामने की, मानसिक रूप से बीमार थी, आप लोगों ने कुछ कैद रखा था, पुलिस भी ये बात कह रही है, आप लोगों से कुछ पूछताछ हुई, क्या कारण रहा? अब जैसे ये बोल रहे हैं कि 16 साल कैद कर रखा है ना, तो 16 साल मायके वाले कहाँ थे जब तक, मतलब जब तक याद नहीं है 16 साल से, आज ही याद आई क्या 16 साल बाद? और आप कह रहे 16 साल, तो 16 साल में शादी क्यों कंटिन्यूस, मतलब मेरी शादी 2008 में हुई थी और 16 साल शादी हुई मेरी, फिर उसके बाद हम लोग घूमने गए थे, फिर इसके दो भाइयों शादी, दोनों भाई शादी में ले गए हमें, इनकी दादी एक्सपायर हुई, दादी एक्सपायर हुई, माँ एक्सपायर हुई जब ले गया, और भी छोटे फंक्शन में कोई फंक्शन वहाँ ले गया, इनके रिश्तेदार रहते हैं भोपाल में बहुत सारे, वहाँ ले गया, और इनके घर में तो मतलब कभी आते रहते थे, अभी 4 महीने पहले इनके भैया भाभी आए थे, भैया बड़ा मिलते रहो, उसके बाद इनने वो छोड़ दिए चिंता करना, फिर अभी हमने 5-6 दिन पहले फ़ोन लगाया था, भैया आके देखो तो क्या है, तब इनका भैया आया था और 10 मिनट होकर चला गया, फिर कल इनकी फिर वो आई थी बहन, परसों की बहन भी आई थी वो मिली, अब इसमें कैद रखने वाले बात कैसी हो गई? पुलिस ने आपसे क्या कुछ बातचीत की, क्योंकि ये बात निकल के आप आरोप है आप पे कि आप लोग 16 साल से कैद रखे हुए थे? मैं बताया ना भाई कैद कहाँ है, आप बराबर आप ही नहीं आ रहे, हम तो छोड़ के भी आए थे इनके मायके, इनके मायके छोड़ के आया था तो इनकी भाभी से झगड़ा हो गया, भाभी से तो भाभी घर छोड़ चली गई थी, तो भाभी कहना था जब ये भाभी जाएगी जब भी मैं आऊँगी। आपके दो बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है, उनके प्रति उनका रवैया कैसा रहा? वो बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखती थी, बच्ची छोटी थी तो उसको जब बच्ची यहीं पढ़ती थी, बच्ची एक मेरी मतलब बच्ची बाहर है, वो छोटी बच्ची जब यहीं थी तो वो उसको परेशान करती थी, स्कूल के लिए टिफिन नहीं बनाना, उसके बैग में कॉपी किताब निकाल लेना, तैयार नहीं करना, उससे मतलब परेशान करना उसको, तो फिर हमने छोटी थी बच्ची थी भाई पढ़ा बच्ची पढ़ाना जरूरी था, तुमने बच्चों बाहर भेज दिया, वो बच्चा यहीं रहता है हमारे साथ। कल पुलिस आई तो पुलिस ने क्या बातचीत की, कहाँ से ने उनको रेस्क्यू किया, बीमार बताया जा रहा था? हाँ बीमार थी, मेंटल थी वो, उसका 2 साल इलाज भी चला है अपने जे के हॉस्पिटल में, जब भी इनके घर वाले आए थे, फिर ये 16 साल बाद किस मतलब 16 साल कंटिन्यू शादी क्यों हुए, तो ये बिल्कुल मिलने नहीं आए क्या बिल्कुल, और जो 16 साल याद क्यों नहीं आई इनको अपने बच्चे इनकी माई के पक्ष के आरोप गलत है और क्या रखते थे आप लोग
ऊपर रहते थे, ऊपर से आरोप लगा दिया जिन्होंने 50,000 रुपये मांग करे। बताओ क्या हुआ, हमारे घर वालों झगड़ा करके, मतलब घर से झगड़ा करती थी तो ऊपर किचन से सेट कर दिया। दिखा दीजिए, मैं विस्तार न्यूज वहाँ भी पहुँचेगा जहाँ पे महिला को पुलिस ने रेस्क्यू किया था। विवेक देखिए, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं उससे कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की जाँच में क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि मायके वालों के अपने आरोप हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं जो अपना बचाव कर रहे हैं। विवेक तस्वीरें भी दिखाइएगा, पक्ष के जो आरोप है उसमें जवाब भी बकायदा वो दे रहे हैं कि आखिर इसमें सच्चाई किस कितनी है। और हम वहीं पहुंच रहे हैं, आप देखेंगे तस्वीरों में कितनी सकरी गलियां हैं, लेकिन ये सकरा पूरा इलाका ही है, लोग यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। तो उस कमरे तक मैं पहुँच गया हूँ ऋतु, यहाँ पे महिला को रखा जाता था, यहाँ पे किचन भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ तस्वीर, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक किचन है और रहने की पूरी व्यवस्था है। राकेश आप अंदर जाएंगे, आप दिखा दीजिए, यहाँ पे एक किचन है, किचन के साथ एक रूम है, एक पलंग भी यहाँ पे रखा गया है जहाँ पे महिला रहती थी। कैद करने ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये दो रूम थे, हाँ हाँ, गंदगी कर देती थी, यहाँ शिफ्ट कर देते थे। रेस्क्यू किया था, उसके बाद कहाँ ले गए? चिरायू, चिरायू हॉस्पिटल ले गए मेंटली इलाज के लिए। कोई फिजिकल टॉर्चर जैसी बात नहीं है? कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं था। यहाँ वो किस तरीके से रहती, क्योंकि बताया जाता है, देखिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है गृहस्थी का, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से महिला खुद ही वहाँ पे स्वतंत्र रहती थी, क्योंकि अगर मारपीट और कैद कैद करने वाली बात होती तो ये यहाँ पे सामान नहीं रखा होता। कुल मिला के बात यही है, तो आप देखेंगे किचन का सारा इंतजाम है, तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन कई तरह के सवाल है। विवेक आप बातचीत करते रहिएगा, जानने की और कोशिश करते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 16 साल से एक महिला घर में कैद थी, ना तो उसके मायके वालों से उसका संपर्क था, अब पुलिस ने रेस्क्यू किया, देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे इस मामले में होते हैं।